जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? हम छोटा ही लेते हैं। हड्डी के बगैर वाला पसंद है, गोल गोश्त बहुत मजा आता है बगैर हड्डी वाले गोश्त का। गोश्त जड़ा है ना वो हड्डी वाला सोना लग रहा है। ओके में वो एवं आके बंदा चूस चूस के खा, बोटी वाला की मुंह च पाया तो खुर जावे, बंदे नु पता नहीं लगा टाफी खांदा पे या बोटी खांदा पे। और भी ठीक नहीं होता और ज्यादा छोटा भी ठीक नहीं होता, तो दरमियाना लोग लेते हैं। तो बगैर हड्डी ठीक रहते हैं, देख ले। हाँ हाँ पक्का सोच ले लोग। मुझे पर्सनली हड्डी वाला पसंद, हड्डी वाला नहीं करते, उससे दर्द होता है। तो हड्डी वाला गोश्त होता है ना, असल में ताकत ज्यादा होती है, मजा ही इसमें आता है बोनलेस में। गोश्त मजेदार होता है। जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? यार बड़ा होना चाहिए, बड़े में चर्बी ज्यादा होती है। जी वो हड्डी जिसपे बोटी हो आपको बार बार तंग नहीं करता। मेरा ख्याल है लेना तो बड़ा ही चाहिए, बड़े में मजा नहीं आता ना, छोटे का सही होता है। क्या जानवर पसंद करते हैं या छोटा? छोटा जानवर बगैर हड्डी की, क्योंकि वो नरम होते हैं। भाई बहुत अच्छी लगती है मुझे उसकी रान, बहुत अच्छी लगती है। ज्यादातर हड्डी के बगैर ही गोश्त पसंद है, हड्डी वाला ही होता है पसंद खाने। छोटा लेते हैं या बड़ा? जानवर छोटे लेते हैं, तो मजा तो हड्डी वाला गोश्त उसका आता है। जानवर कभी छोटा कभी बड़ा, हड्डी वाला गोश्त जरा अच्छा होता है क्योंकि आप हड्डी पकड़ के गोश्त खा सकते हैं, वैसे स्लिप होकर नीचे गिर सकते हैं। पसंद करते हैं या बगैर हड्डी? मुझे पर्सनली हड्डी वाला पसंद है, लेकिन हमारे घर में ज्यादा हड्डी के बगैर वाला पसंद है, गोल गोश्त। अच्छा गोल गोल बॉडी, बोनलेस। हाँ बोनलेस। दरमियाना। वजह? क्योंकि वो सही निकलता है। कैसे? आप बात कर रहे हैं कि जानवर बड़ा लेते हैं या छोटा, ज्यादा बड़ा जानवर भी ठीक नहीं होता और ज्यादा छोटा भी ठीक नहीं होता, तो दरमियाना लोग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी? नहीं गोश्त तो हम तो फटान है ना, तो हम लोगों को ज़्यादातर गोश्त से लगाव ज़्यादा है, तो इसलिए हम बगैर हड्डी वाले गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, उसकी थोड़ी एक्सप्लेन कर। एक्सप्लेन ये है कि आपको खाने में आसानी रहती है और हड्डी आपको बार बार तंग नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए भी, और बाकी मज़ेदार भी होती है बगैर हड्डी वाली गोश्त, तो इसलिए हम ज़्यादा उस वक्त ईद आ रही है। तो उस पर जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? नहीं यार हम बड़ा ही लेते हैं। रीज़न? अक्सर ना मैंने छोटे जानवर को देखा हुआ है, उनकी कुछ बैड हैबिट होती है, तो मुझे पसंद नहीं है। नहीं अभी मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा यार, आप समझदार हैं, आपने देखा होगा खुद भी। तो गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? हड्डी वाला। रीज़न भी बता। सुना हड्डी वाला गोश्त होता है ना, असल में ताकत ज़्यादा होती है उसके साथ। अच्छा बकरा ईद। तो जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? हाँ वो तो बस डिसाइड है खाने पे, अगर किसी कुछ बड़ा पसंद है तो वो बड़ा ले सकता है, यानी कि बड़ा हो गया तो कट्टा वगैरह हो गया, तो अगर छोटा लेना है तो वो माशाल्लाह बहुत प्यारा आता है, बकरा वगैरह हो गया। बस सिंपल जी बात है कि जाएं और उधर ख़रीदारी करें जानवरों की, अच्छी बात है, करनी चाहिए क्योंकि ईद का मौका। यार गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? बगैर हड्डी के। रीज़न? रीज़न मुझे चांपे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उसकी रान बहुत अच्छी लगती है। चूस कर खाते हैं? हाँ चूस कर खाता हूँ। मजे लेते हैं? ऑब्वियसली मैं पाए बहुत शौक से खाता हूँ। ठीक है जी जी, ठीक है। तो बोनलेस नहीं पसंद करते हैं? जी बोनलेस नहीं पसंद करते हैं। हड्डी वाले जी जी। जैसा कि आप जानते हैं बकरा ईद आ रही है, तो जानवर छोटा पसंद करते हैं या बड़ा? हम जानवर कोई भी मिल जाए कुर्बानी करनी है ना, वही पसंद करते हैं। अच्छा गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी? बोनलेस। बोनलेस क्यों? बस मज़ा ही इसमें आता है बोनलेस में, खाते ही वो है ना, इसलिए। थोड़ा बताए ना कैसा मज़ा? वैसे शवरमा वगैरह पसंद है ना, उसमें बोनलेस होता है इसलिए। वो बड़ा लेते हैं या छोटा? छोटा। रीज़न? बड़े में मज़ा नहीं आता ना, छोटे का सही होता है। हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? जी वो हड्डी जिस पे बोटी हो। वजह यही है कि मतलब जो हड्डी के बगैर होता है वो खाया नहीं जाता, वो मुँह में फंस जाता है, और खाली हड्डी तो फिर वो कुत्ते वगैरह। बकरा ईद आ रही है जी जी, तो जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? यार बड़ा होना चाहिए। रीज़न? इसके रीज़न इसके एक गोश्त ज़्यादा होगा। जी जी। गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी? गोश्त वैसे तो मज़ा तो हड्डी वाला गोश्त उसका आता है। क्यों? जारी बात है जब हड्डी वाला गोश्त है उसको खाने के लिए भी मतलब पूरा एक तगोदो करना पड़ती है, और जो हड्डी के बगैर होता है वो तो वैसे ही मतलब खाया जाता है आसानी से, इसलिए मैं हड्डी वाला गोश्त पसंद करता हूं। लेते हैं या छोटा? जानवर मेरा ख्याल है लेना तो बड़ा ही चाहिए। रीज़न? रीज़न ये है कि एक तो उसमें कुर्बानियां साथ होती हैं, और वैसे भी आजकल लोगों को बड़ी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? हड्डी वाला। क्यों? वो ज़्यादा अच्छे से पक जाता है, गल जाता है, दूसरा वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा कढ़ाई को पसंद करते हैं या बारबेक्यू? कढ़ाई। छोटा लेते हैं या बड़ा? हम दोनों ही लेते हैं। वजह क्या?
वजह ये है छोटे के असल ये फायदा है कि उसका गोश्त जल्दी तैयार हो जाता है, बंदा जल्दी खा भी लेता है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है जल्दी। तो बड़े की ज़रा मुश्किल आता है। हाँ उसकी ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है ना फिर उसमें, तो फिर वेट भी ज़्यादा करना पड़ता है आपको, तो इस वजह से फिर एक साथ छोटा जानवर भी ले लेते हैं। तो यार गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी? आजकल तो बगैर हड्डी वाला सही है। थोड़ा रीज़न भी बताएं। ओ बस सही है ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हजम हो जाते हैं ना, और हड्डी वाला जाना उसके साथ आपको मशक्कत करनी पड़ती है ना उसको, ये तो इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब हड्डी बोनलेस है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत फनी है। हाँ जी, बहुत नोटी भी है। नहीं ऐसे लग नहीं रहा लेकिन वो बड़ा लेते हैं या छोटा? छोटा जानवर। रीज़न? छोटा जानवर चूँकि आमतौर पर हर लोग उसे खाते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, इसलिए उसे खाते हैं। गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? हाँ बगैर हड्डी का ठीक है, उसमें टाइम कम लगता है खाने में। अच्छा, उसे लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हड्डी वाला नहीं करते, उससे दर्द होता है। ट्राई आ रही है। तो जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? नहीं छोटा। रीज़न? रीज़न तो कोई नहीं, बस उसका गोश्त पसंद है घर वालों को भी, इसीलिए लेते हैं। तो यार गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी? बगैर हड्डी। वजह? वजह ये कि उसमें कढ़ाई अच्छी बनती है। जी जी, कढ़ाई अच्छी बनती है, उसमें मज़ा आता है। बाकी फ्लेवर डाल के हम पश्तूनों का खाना स्पेशल डिश कढ़ाई बनाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है बगैर हड्डी वाले गोश्त का। जी जी। छोटा लेते हैं या बड़ा? जी इस्तेआत के मुताबिक, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल से जो है वो बड़ा भी करते हैं और 1-2 छोटे जानवर भी होते हैं। अरे गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? नहीं कबाब। कबाब जी। बारबेक्यू के आप जानते हैं बकरा ईद आ रही है, तो जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? नहीं जानवर तो हम लोग बेसिकली वहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है तो हम लोग छोटा जानवर लेते हैं। सारे घर में अगर 5-6 कुर्बानी करते हो तो सारे छोटे जानवर हम लेते हैं, तो बड़ा जानवर बड़ा कम लेते हैं हम, वहाँ पे इस तरह का सिस्टम ज़्यादा नहीं चलता। गोश्त तो हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? ये तो अब डिश पे डिपेंड करता है, अगर चावल पकाना है तो हड्डी वाला, अगर वैसे ही खाना तो बगैर हड्डी के। तो यार बारबेक्यू को पसंद करते हैं या कढ़ाई? नहीं कढ़ाई को, मैं कढ़ाई को पसंद करता हूँ। बारबेक्यू का नहीं आ रही है। तो जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? ये छोटा पसंद है खाने में, तो थोड़ा बताएं ना वो, क्योंकि बकरा लोग शौक से खाते हैं ना, इसलिए हाँ बड़े पसंद नहीं है, बड़े में चर्बी ज़्यादा होती है। यार गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? गोश्त बगैर हड्डी के तो गोश्त नहीं होता। तो थोड़ा रीज़न बताए ना। हड्डी वाला गोश्त पसंद करते हैं। क्यों, उसकी रीज़न? इसकी रीज़न वो खाने में आसान है और टेस्टी होता है। बकरा ईद आ रही है। तो जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? यार हम तो ना बड़ा ले लेते हैं और उसमें सारी फैमिली ना हिस्से डाल लेती होती है, तो ये रीज़न है। हाँ ये रीज़न है। तो यार गोश्त जो है हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? अगर तो आप गोश्त की बात कर रहे हैं फिर तो मेरा ख्याल है हड्डी वाला ज़्यादा अच्छा होता है। रीज़न क्योंकि आप हड्डी पकड़ के गोश्त खा सकते हैं, वैसे स्लिप होकर नीचे। बकरा ईद आ रही है। तो बड़ा जानवर पसंद करते हैं या छोटा? छोटा जानवर। वाय? वो थोड़ा सा लजीज होता है। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। वैसे शौक से खाता हूँ छोटा जानवर। जो है हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? मैटर नहीं करता, बना हुआ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हड्डी वाला नहीं या बगैर हड्डी के ये कोई मैटर नहीं है? अच्छा बना हो जो भी हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जानवर बड़ा लेते हैं या छोटा? छोटा, घर का ही होता है। क्यों? ऐसे ही घर में ही रखे होते हैं तो वो उसी से ही कर लेते हैं। हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी? हड्डी वाला तो आपको पता है, जब हड्डी बंदा हड्डी वाली बोटी बंदा खींचता होता है तो कई दफ़ा तो चींटे भी आंखें में चली जाती हैं। ज़्यादातर हड्डी के बगैर ही गोश्त पसंद है और ज़्यादातर लोग हड्डी के बगैर ही गोश्त पसंद करते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट भी होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो जानवर बड़ा पसंद करते हैं या छोटा? जी खाने के लिए तो हम छोटा ही पसंद करते हैं। क्यों? गोश्त मज़ेदार होता है। गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी? बगैर हड्डी की, क्योंकि वो नरम होते हैं। जानवर बड़ा लेते हैं या छोटा? जी हम बड़ा जानवर लेते हैं। क्यों? हम फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो सर्व करते वक्त फिर मुश्किल नहीं होती। अरे गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? नहीं हड्डी वाला गोश्त ज़रा अच्छा होता है। वो कैसा? मज़ेदार होता है, अच्छा। एक्सप्लेन करें। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो हड्डी वाला गोश्त ज़रा मज़ेदार, जायका अच्छा होता है, उसका टेस्ट अच्छा। जैसा कि आप जानते हैं बकरा ईद आ रही है, तो जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? वैसे छोटा ही लेते हैं जानवर, छोटा ज़रा सही ताकतवर भी होता है और जायकेदार भी होता है और
अच्छा होता है, ज्यादातर लोग छोटा ही लेते हैं। यार गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? हड्डी वाला ही होता है पसंद, खाने का ही वही होता है ना। कैसे थोड़ा बताएं? हड्डी मतलब कि थोड़ा जायका वाली होती है ना, तो उसको ही पसंद करते हैं लोग ज्यादातर। आप किसको पसंद करते हैं? हड्डी वाला। बकरा ईद आ रही है तो जानवर बड़ा लेते हैं या छोटा? नहीं, छोटा जानवर लेते हैं। वजह भी बता। बस हमेशा से छोटा जानवर ही करते आ रहे हैं, छोटा जानवर ही लेते हैं, फैमिली भी छोटी है, छोटा जानवर ही लेते हैं। तो जो है हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? गोश्त बगैर हड्डी का ही होता है, हड्डी हड्डी गोश्त में होती है। नहीं पसंद कौन सा, क्योंकि हड्डी वाला भी होता है बगैर हड्डी वाला। क्यों? हाँ वो मजे का। बकरा ईद आ रही है तो जानवर छोटा लेते हैं या बड़ा? जानवर कभी छोटा कभी बड़ा। क्यों? दिल जो 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 दिल करता है। गोश्त हड्डी वाला पसंद करते हैं या बगैर हड्डी के? दोनों, कभी हड्डी वाला कभी बगैर हड्डी। थोड़ा बताएं ना क्यों? दिल पे डिपेंड करता है, जो हमारा दिल करे वो करेंगे। बकरा ईद आ रही है तो जानवर बड़ा लेते हैं या छोटा? डिपेंड करता है, डिपेंड्स कौन सा अच्छा मिल जाए। तो नहीं चॉइस तो आपने करनी, बड़ा या छोटा? बकरा ही ऑलमोस्ट। अच्छा उसकी रीज़न? उसकी रीज़न क्योंकि वो अच्छा लगता है सबको।